अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस। जब आप बीइंग अ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, आपको जब हम मटेरियल बैलेंस सॉल्व करते हैं, मटेरियल बैलेंस के लिए कैलकुलेशंस करते हैं, तो तब आपके जो है वहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना वो काफ़ी लेंथी होती हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं, तो इन लेंथी कैलकुलेशंस को शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने के लिए और अननोन वेरिएबल्स को डिजर्व सॉल्व करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस एक्चुअली इज दैट के बिफोर परफॉर्मिंग लेंथी कैलकुलेशन यू कैन यूज प्रॉपरली ड्रॉन लेबल फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर वेदर यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम आर नॉट। यानी आपने जस्ट एक जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसको उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली लेबल फ्लो चार्ट करना है, उसमें पुट करनी है, और फिर देखना है कि आपके पास जो है एनफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसकी कौन कौन से सिनेरियोज हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस आपको बताता है कि अननोन वेरिएबल्स कितने हैं आपके सिस्टम में, उसमें से आप मैनेज कर लेते हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस देता है। अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आ जाती है, इसका मतलब है जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस आपने बना ली, तो आपके पास सिस्टम जो है ना वो स्पेसिफाइड हो जाता है। इस तरह अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वन आ जाती है, इसका मतलब है अननोन वेरिएबल्स एक ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। इस तरह अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस आपके पास माइनस वन आता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है, एक इक्वेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अगर सिक्स है, सेवन है, एट है, इसका मतलब है उतने टाइम्स अननोन वेरिएबल्स ज्यादा है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी तो दैट इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज जीरो। तो जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके पास कंप्लीटली सॉल्वेबल क्वेश्चन है, उसमें अननोन वेरिएबल्स और नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब है देर इज एन अननोन वेरिएबल्स जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं।